सो गाइस, अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करता है तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको किसी तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलूँगा, या फिर मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको उसको करने में प्रॉब्लम हो। यहाँ पर मैं सिंपल सी कुछ ऐसी यहाँ पर सेटिंग्स या फिर आप बोल सकते हैं उन तरीकों को आप अपनाएंगे तो आपकी जो हैंगिंग प्रॉब्लम है 101% यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ उनमें से कुछ दो या तीन तरीके आप यूज़ करते भी होंगे अपनी हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बट यहाँ पर मैं आज आपको 7 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे आपकी मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम 101% यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। और होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन से ऐसे वो 7 तरीके जिनसे आपके मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को जो पहला काम करना है अपने मोबाइल को हैंग होने से बचाने के लिए, वो है आपको अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव या फिर जो है किसी भी क्लाउड जो स्टोरेज है उसको डाउनलोड करके रखना होगा। बहुत सी क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशंस आती हैं, बट मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स। आपको गूगल ड्राइव में 15 GB तक का स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में ये एप्लीकेशन होती है। आप यहाँ 3 डॉट पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ आपको यहाँ पर 15 GB जो फ्री स्पेस यहाँ पर यूज करने को मिल जाता है। अगर आप गूगल ड्राइव का अपने मोबाइल में यूज करते हैं तो आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम जो है 100% दूर हो जाएगी। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने मोबाइल में बहुत सारी जो एप्लीकेशन या फिर जो है किसी भी तरह की कोई फाइल या फोटो या वीडियो अपनी गैलरी में रखते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी गैलरी का जो स्पेस है वो भर जाता है और आपका मोबाइल करने लगता है हैंग। तो ऐसे में आपको जो है 15 GB तक का फ्री स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। जितनी भी आपकी बड़ी फाइल्स होंगी वो आप जो है गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, या आपकी जो वीडियोस हो, मूवीज हो, किसी भी तरह की कोई बड़ी फाइल हो तो आपको जो है वो सब गूगल ड्राइव में सेव करके रख लेनी है, जिससे कि आपका 15 GB स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपका 15 GB स्पेस जो है मोबाइल से फ्री हो जाएगा। तो आप इस क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन का यूज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको जो दूसरा काम करना है अपने मोबाइल में मोबाइल को हैंग होने से बचाने के लिए, वो है डिलीट कैश मेमोरी। आपको अपने मोबाइल की कैश मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है मोबाइल को हैंग होने से बचाने के लिए। उसकी ज़रूरत किसके पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में किसी भी तरह की गेम या फिर एप्लीकेशन या फिर आपके ब्राउजर में किसी भी तरह की जो है एप्लीकेशन या मूवी को डाउनलोड करते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो है कैश फाइल वहाँ पर जो है आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती है। तो आपको जो है वहाँ पर उसको डिलीट करना होगा। यहाँ पर जिस भी ब्राउजर को आप जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा कैश फाइल जो है यहाँ पर यूज में आ जाती हैं। तो आपको उनको कैसे डिलीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सपोज कर लीजिए आप जो है यहाँ पर अपने ब्राउजर में सबसे ज्यादा क्रोम ब्राउजर को यूज करते हैं या फिर किसी भी ब्राउजर को यूज करते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ सेटिंग में चले जाना है, आपको एप्स में चले जाना है और यहाँ पर जो है अपनी उसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर आपका प्ले स्टोर भी हो सकता है या फिर आप जो है किसी भी तरह के ब्राउजर को यूज करते हैं तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस ब्राउजर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यनडेक्स को, और यहाँ पर इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे क्लियर डाटा का ऑप्शन है, तो हम क्लियर डाटा पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लियर कैच है। अब यहाँ पर इस कैच को आप जो है डिलीट कर दीजिए, जिससे कि आपका जो कैच फाइल है वहां पर जो है डिलीट हो जाएंगी और आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम कुछ हद तक दूर हो जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं कि तीसरी जो ट्रिक है वो आपको क्या अप्लाई करनी है जिससे कि आपका फोन हैंग ना हो। तो आपको जो है अपडेट फर्मवेयर जो है वो चेक करते रहना है अपने मोबाइल का कि आपका मोबाइल जो है अपडेट तो नहीं मांग रहा आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर। उसको जो कैसे आपको चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जो सिंपली अपनी सेटिंग में फिर से चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे अबाउट फोन,
अबाउट फोन के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे सिस्टम अपडेट। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको चेक कैसे करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नो अपडेट अवेलेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने जो सॉफ्टवेयर को अपडेट किया हुआ है अपने मोबाइल को, तो यहाँ पर टाइम टू टाइम कंपनी अपना एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट करती रहती है। तो आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर चेक अपडेट्स पर जाकर जो है देखते रहना है, चेक करते रहना है कि आपको जो है न्यू अपडेट तो नहीं आया है, जिसकी वजह से जो है आप अगर फर्मवेयर को जो है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग करने लग जाता है। तो इसलिए हैंग से बचने के लिए आप जरूर से इस ट्रिक का यूज करिए, तो आपका मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं जो चौथा काम आपको करना है वो क्या है। यहाँ पर आपको जो है इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में एक बढ़िया सा एंटीवायरस। आप जो है प्ले स्टोर से किसी भी तरह के एंटीवायरस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज कर लीजिए बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, यहाँ पर मैं किसी भी एंटीवायरस को जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है एवीजी का एंटीवायरस जो है इसको डाउनलोड करके रखें अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल को वायरस से बचाता है। तो आप जो है जरूर से किसी भी एक एंटीवायरस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और जिससे कि आपका मोबाइल हैंग होना बंद हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपके मोबाइल में। तो आप जानते हैं फिफ्थ जो ट्रिक है आपकी कौन सी, वो है टर्न ऑफ बैकग्राउंड। अगर आप जो है कभी भी अपना मोबाइल यूज करते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैंने ये प्ले स्टोर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं अब उसके बाद फेसबुक को यूज करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फेसबुक को यूज करने लग जाता हूँ। यहाँ पर देख पाएंगे मैंने फेसबुक ओपन कर ली है। अब फेसबुक ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर अब मेरे बैकग्राउंड में जो है वो एप्लीकेशन वर्क कर रही है। ऐसे में आपका फोन हो जाता है हैंग, तो ऐसे में अगर आप जो है प्ले स्टोर का वर्क नहीं है इस टाइम पे ये यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसको जो है बैकग्राउंड से हटा देना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारी एप्लीकेशन मैंने ओपन की हुई थी, तो आपको ऐसे ही जो है अपने बैकग्राउंड को क्लियर कर लेना है, जिससे कि आपका जो है बहुत सारा हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपके जो है सीपीयू की मेमोरी कम हो जाएगी और वहां पर जो आपकी रैम भी जो है कम यहां पर यूज होगी। तो इसलिए इसको जो है जरूर से आप यूज कर लीजिए अपनी जो है। इसके बाद जो ट्रिक हमें यूज करनी है वो है यूज मेमोरी कार्ड। आपको हमेशा अपने मोबाइल में जो है मेमोरी कार्ड को डालकर रखना है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप अपने मोबाइल में कोई वीडियो फोटो को रखते हैं फोन मेमोरी में, तो उससे फोन आपका हैंग हो जाता है। आपको यहाँ पर आपके फोन की मेमोरी को बहुत कम यूज करना है, और यहाँ पर जितना भी आप यहाँ पर फोटो या वीडियो या फिर किसी भी तरह की एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, तो आपको जो है सभी को मूव कर देना है अपने मेमोरी कार्ड में। तो ऐसे में आपका फोन का स्पेस जो है फ्री रहना चाहिए, जिससे कि आपका फोन हैंग होना बहुत ही कम कर देगा, तो इससे आप बच सकते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम से। तो याद से आप अपने मोबाइल में आज से ही मेमोरी कार्ड डाल लीजिए, जिससे आपका फोन जो है हैंग होना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमें ट्रिक अप्लाई करनी है वो है फैक्ट्री डाटा रीसेट। आप कभी भी आपका फोन जो है बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, सेटिंग में चले जाना है। आपको यहाँ सेटिंग में आने के बाद अपने अबाउट फोन में चले जाना है। हो सकता है आपके मोबाइल में जो है फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन और कहीं हो, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट फोन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आपको यहां पर नीचे दिख जाएगा, फैक्ट्री रीसेट। आपको जो है इस जरूर से इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना है जब भी आपका मोबाइल यहां पर हैंग करे, तो आपकी अनवांटेड फाइल को डिलीट करने के लिए सबसे जो इफेक्टिव रहता है वो यही ऑप्शन है। तो आपको जो है करना क्या है, यहां पर आप देख पाएंगे फॉर्मेट एसडी कार्ड ऑल फाइल ऑन दी फोन, आपको जो है फैक्ट्री रीसेट यहाँ पर कर लेना है अपने मोबाइल को। तो आप अपने डाटा का बैकअप जरूर से ले लीजिएगा, जिससे आपका डाटा डिलीट होने से बच सके। होप आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।